हेलो टू एवरी वन स्टूडेंट दिस इज इकोनॉमिक्स क्लास एंड दिस इज वीडियो नंबर टू ऑन चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड टूडे आवर टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स और वी से सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और हम ये कह सकते हैं कि भाई वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के और आज हम जो तो डिस्कस करेंगे वो फाइव मेन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ वे इन विच इफिशेंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी इंक्रीज क्योंकि ये वो तरीके हैं जिनसे ह्यूमन कैपिटल की इफ़िशंसी को इंक्रीज किया सकता है मतलब उसको और बेटर और या और बेटर किया जा सकता है सो लेट वी स्टार्ट टूडेज लेक्चर एंड सो लेट यू फर्स्ट कम टू द फर्स्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आपको पता है कि रोल ऑफ़ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर या ह्यूमन रिसोर्स को एज ए ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स uh, है क्योंकि इसी की वजह से इफ़िशेंसी एंड स्किल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस जो इफिशेंसी है या स्किल है ह्यूमन कैपिटल के वो इंक्रीज़ करते हैं यही वो रीज़न होता है कि इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज़ देयर स्किल्स एंड एफिशंसी रिजल्टिंग इन हायर अर्निंग कैपेसिटी कि जब वो पहले उनमें इन्वेस्ट किया जाता है टू गेविंग दैम एजुकेशन उसके बाद जो उनकी अर्निंग होती है वो हायर होती है इसको हम मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन तो मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन हमेशा जो होता है वो एक्सीड रहता है जितना कि उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है मतलब ये ये माने कि कोई अपनी एजुकेशन पर जितना खर्च करता है तो अपनी हॉल लाइफ में उसके बाद उस एजुकेशन की वजह से जो वो अर्न करता है वो हमेशा उससे ज़्यादा होता है ठीक है तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है और जो अर्निंग करेगा वो पर्सन तो अर्निंग हमेशा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा होगी इस इसी को कहा जाता है मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट सेज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाई कंपनीज तो जैसे कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी कंपनीज इंडस्ट्रीज़ के थ्रू तो उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि भाई दे आर स्पेंडिंग देयर प्रोडक्शन और वो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं आज के टाइम अपनी प्लांट पे मशीनरी पे या कैपिटल गुड्स पे वो फ्यूचर में प्रॉफिट रिटर्न देगा है ना तो यही ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑन ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी कि जो एजुकेट हो रहा है पर्सन या इंडिविजअल वो फ्यूचर में अच्छी अर्निंग करेगा और अपने फैमिली के लिए अच्छे रिटर्न्स देगा क्योंकि उसकी फैमिली ही उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है नाउ कम टू द नेक्स्ट वन डेट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ तो ये दो दो मेन हम कह सकते हैं कि एक तो रोल ऑफ एजुकेशन और सेकेंड है रोल ऑफ हेल्थ वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करता है किसी पर्सन को और फिर इन दोनों के ऊपर खर्च को हम कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन कैपिटल ऐड होता है एडिंग इन ह्यूमन कैपिटल इज़ बिकम ए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो नया ऐड होता है ह्यूमन कैपिटल में वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ कहलाता है ये हमने लास्ट वीडियो मतलब जो पार्ट वन है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और वो कैसे कन्वर्ट होती है सो so, अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे डेट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ तो एक बहुत अच्छा फ्रेज़ दिया हुआ है कि अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी हमेशा जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो स्वस्थ शरीर के अंदर ही निवास करता है ये बहुत पुरानी कहावत है और यही रीज़न है कि एक हेल्थी पर्सन जो है वो उसका वर्किंग इफ़िससी और इफेक्टिवनेस जो होती है वो मोर बेटर होती है एज कम्पेयर टू सिक पर्सन कोई बीमार आदमी होता है उससे जो हेल्थी पर्सन की जो मतलब वर्किंग होती है वो बेटर होती है और बेटर होती है नाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स मैन मोर इफिशेंट एंड देयर मोर प्रोडक्टिव तो ये कहा जाता है कि भाई अगर हम एक्सपेंडिचर करें हेल्थ के ऊपर रेगुलर जो आपके वैक्सीनेशन होती हैं वो होती रहे रेगुलर फिजिकल चेकअप्स जो होते हैं वो होते रहें तो उससे पर्सन जो है हेल्दी रहेगा और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी ज़्यादा होगी हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड टू राइज जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में आउटपुट में या किसी इकोनॉमी की जीडीपी में वो इंक्रीज होता चला जाएगा और यही लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में ही शी एड्स मोर टू जी ऑफ़ द नेशन सिक अर्सन तो अब क्या एक्सपेंडिचर होने चाहिए हेल्थ के ऊपर तो हम ये आई विल टेल यू अबाउट द फोर वन दैट इज़ प्रिवेंटि मेडिसिन जैसे वैक्सीनेशन होती है ये होने चाहिए क्योरेटिव uh, मेडिसिन होने चाहिए जो मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्यूरेटिव मेडिसिन होने चाहिए सोशल मेडिसिन होने चाहिए जिसमें हम ये कहें कि भाई स्प्रेड करना चाहिए अबाउट द हेल्थ लिटरेसी कोई बीमारियाँ चल रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस करना साथ में प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो वाटर अवेलेबल हो वो क्लीन हो साफ़ हो है ना शुद्ध पानी की व्यवस्था करना और गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हमारा जो इन्वामेंट है वो सैनिटाइज सैनिटाइज रहे साफ़ सुथरा रहे ऐसी फैसिलिटीज़ हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसको एक्सपेंडिचर और हेल्थ में काउंट किया जाता है और इट इज़ जो रोल ऑफ एजुकेशन है रोल ऑफ हेल्थ है उन दोनों ही चीज़ में जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब ये दोनों ही चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड इट इज सेइंग डेट ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज आल्सो ए वन सोर्स विच कन्वर्ट ह्यूमन कैपिटल और इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू इनहस द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स मतलब अगर कोई एम्प्लॉज कहीं पर वर्क कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि अगर उसको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी इफ़िशंसी भी इंक्रीज होती है डे बाई डे सो अब दो तरीके से हो सकते हैं भैया तो जो वर्कर्स हैं वो अपने आप है ना वर्कर्स में भी ट्रेंड इन द फॉर्म इट्स सेल्फ बाई स्किल्ड वर्कर जो पहले से ही वो वर्कर वर्क work कर रहे हैं वो उनके अंडर में काम करके काम सीख सकते हैं या अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं किसी सुपरवाइज़र या एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के अंडर में वर्क करके नंबर टू वर्कर में बी सेंट फॉर ऑफ कैम्पस ट्रेनिंग या फिर वर्कर्स को ऑफ कैंपस ट्रेनिंग जैसे ये जो इमेज दी हुई है आपके सामने वो जो है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग दिखाई दे रही है मतलब जो स्पेशल ट्रेनिंग है जब किसी सुपरवाइजर के अंडर में वर्क किया जाता है तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग या जब वो काम कर रहा होता है तभी उसकी इफ़ेंसी को इंक्रीज किया जाता है तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर्स टू शार्पन देयर स्पेशाइज स्किल जो स्पेशलाइज स्किल मतलब जिस जिस एक्सपर्टीज़ में वो काम कर रहे हैं मतलब जो उनकी एक्सपर्टाइज़ है तो उसको स्पेशलाइज भी कहा जा सकता है उस स्किल्स को शार्पन करना और शार्प कर जैसे मेरी जो स्पेशलाइज स्किल है वो टीचिंग है है ना तो मैं अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेता हूँ तो वो टीचिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग ली जाएगी ऐसे कोई इंजीनियर है तो वो अपने फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग लेगा डॉक्टर है तो वो भी अपने फील्ड से रिलेटेड रेगुलर ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड इट इनेबल्स दैम टू रेज द लेवल ऑफ इफिशेंसी और इसी को कहा जाता है कि भाई जो इफ़ीशेंसी का लेवल इसी रीजंस की वजह से रेज होता है तो हम कह सकते हैं भाई एक जो इफिशेंसी का लेवल इंक्रीज होता है उसके पीछे एक एक रीज़न ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है नाउ दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन दैट इज फोर वन फोर्थ वन है ये फोर्थ सोर्स हम स्टडी कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन क्या कहता है कि भाई ये होता रहता है हमारे आसपास कि लोग जो हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर और, और ये उसके पीछे रीज़न क्या होता है टू सर्च ऑफ जॉब एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेच हायर सैलरीज़ और हायर सैलरीज गेट करने के लिए क्योंकि दे थिंक दैट दे इन देयर नेटिव प्लेस दे आर पेड वेरी लो क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पर वो रहते हैं उसके आसपास उन्हें कम सैलरी मिल रही है तो अगर वो माइग्रेट हो गए किसी बेटर अपॉर्चुनिटी प्लेस पर जाते हैं तो उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स या आप देखते हैं कि भाई ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो तो रेगुलर ही माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ क्योंकि वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर्स डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज दैन दे मे गेट इन दोज कंट्रीज़ तो ऐसे जैसे हम ये भी पाना गया कि भाई इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या जो अच्छे इंजीनियर्स हैं वो सारे माइग्रेट हो गए हैं यू एस या फिर ब्रिटेन लंदन या बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तो उसके पीछे रीज़न क्या है वहाँ पर उन्हें हायर सैलरी मिल रही है है ना और अच्छा इन्वामेंट मिल रहा है रहने के लिए सो माइग्रेशन ऑफ पीपल इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो अगर हम कहते हैं भाई क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है माइग्रेशन में तो माइग्रेशन में दो एक्सपेंडिचर मेन है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एंड कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट जब कोई एक पर्सन अपनी सोसाइटी को छोड़ के दूसरी सोसाइटी के साथ काम करने के लिए जाता है तो उसको अप, कही कहीं ना कहीं सोशल चेंजेस करने पड़ते हैं ठीक है तो वो भी एक तरह की कॉस्ट होती है आ, कुछ चीज़ें को अपनी छोड़नी पड़ती है और दूसरी कुछ चीज़ें रिसीव करनी पड़ती है तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें दो चीज़ों के एक्सपेंडिचर माना गया है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट नाउ लेट वी कम टू द नेक्स्ट लास्ट वन डेट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन तो ये आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन और ये जो इंडिविजुअल है ये माना गया है कि उसकी तरफ़ से एक एक्सपेंडिचर ये भी माना गया है कि जो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसके ऊपर भी होता है अब ये है क्या कि पीपल स्पेंड टू एक्वायर इन्फॉर्मेसन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ कि भाई कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो ये डिसाइड करना कि क्या कोर्स स्टडी uh, करना चाहिए या फिर किस फील्ड में किसी पर्सन को एक्सपर्टाइज़ या स्किल uh, डेवलप करने चाहिए जिससे उसके इन फ्यूचर में उसके सामने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए तो ये हमेशा एक डिसीजन मेकिंग रहती है और ये डिसीजन मेकिंग करेक्ट तभी होती है जब अ पर्सन हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब उस पर्सन के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है तो हमें माना गया कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर ऑन फॉर्मेशन भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज मतलब अगर कोई कहीं जॉब भी करने जाता है या फिर कहीं जॉब के लिए अपलिकेशन देता है जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में तो पहले वो सारी चीज़ें स्टडी करता है अबाउट द सैलरीज और आ, क्या रिक्वायरमेंट है किस आ, डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत है तो क्या डिप्लोमा या डिग्री करे जिससे वो एक पर्टिकुलर जॉब को अचीव कर सके

हाउ मच ही गेट इन फ्यूचर कि फ्यूचर में उसको कितना पै अर्न करेगा कितनी इनकम होगी वो सारी चीज़ें थ्रू इन्फॉर्मेशन ही गेटिंग हो सकती है सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर इफ़ीसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक तो ये इंफॉर्मेशन स लिए जरूरी है कि भाई जो हमारा कैपिटल स्टॉक है क्या वो प्रॉपर इंक्रीज़ हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंजीनियरिंग में कम हो रही है फ्यूचर में लेकिन ज़्यादा जो हमारा स्किल डेवलप हो रहे हैं ज़्यादा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो इंजीनियर्स का हो रहा है मतलब ज़्यादा इंजीनियर्स बिल्डअप कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में जबकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं वहीं रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स की ज़्यादा है फ्यूचर में लेकिन हमारे यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर्स है वो कम है तो डैट इज़ अ रॉन्ग इन्फॉमेशन ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है और हम उसके लिए गलत तरीके से अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को तैयार कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें ज़्यादा डॉक्टर ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा डॉक्टर्स ही बिल्ड करने चाहिए उसके लिए डॉक्टर जो आपके मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए है ना ये सारी चीज़ें हैं तो अभी हमने मेनली फाइव डिटर्मिनेंट्स पड़े हैं जिनकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अफेक्ट होती है है ना या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स की इफिशेंसी को इंक्रीज करके उनको एज ह्यूमन कैपिटल ऐड किया सकता है टू मेक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सो डेट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू हैव ए नाइस डे